हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और एक नई नोटिफिकेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इसमें आपके लिए पोस्ट आई है, नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जो कि रेगुलर वैकेंसीज हैं। दिल्ली के आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हैं, ये विमेन के लिए है कॉलेज। सो इसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचे। सो इसमें जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन पोस्ट के रिगार्डिंग। जो आपका एडवर्टाइजमेंट ही पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 23 जून को, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 जुलाई है। और चार्जेस क्या हैं वो भी आपको गिवन है। 700 रुपीज़ जो हैं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए हैं। OBC, EWS एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ हैं। SC, ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ आपके चार्जेस रहेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आपको लेटर ऑन बता दी जाएगी। आप कॉलेज की वेबसाइट विजिट करते रहना। कॉलेज की वेबसाइट आपको यहाँ पर दी हुई है। ये इसमें सब कुछ जो है डिटेल आपको आगे जो भी इंटीमेशन होगी वो वहाँ पर आपको दी जाएगी। तो इसमें आपने पेमेंट के लिए जो है आपने डिमांड ड्राफ्ट जो है श्यामा प्रसाद कॉलेज की प्रिंसिपल के नाम वो आपने करवाना है। और आपकी जो एप्लीकेशंस है वो ये ऑफलाइन है। सो आपने जो है स्पीड पोस्ट से या कॉरियर से या जनरल डाक से आप जो है एड्रेस गिवन है आपको यहाँ पर आप भेज सकते हैं। और इन हैंड जो है रिसीव नहीं किए जाएंगे, ओनली बाई पोस्ट आप जो है भेज सकते हैं। तो ड्यू डेट से पहले ही आप भेज दीजिएगा। इसमें 12 जुलाई से पहले इनको रिसीव हो जाने चाहिए। और ये जो भी पोस्ट हैं आपकी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ये रेगुलर हैं, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आपके पास है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, तबला एकॉम्पनिस्ट, GCT एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। सारी पोस्ट में किस कैटेगरी की है वैकेंसी आपको वो भी गिवन है। अपर एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है और पे स्केल भी साथ में आपको मेंशन्ड है। तो एलिजिबिलिटी जो है पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पर नीचे दी हुई है, कौन से ग्रुप की पोस्ट है। लाइक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। और आपको ये भी बताया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट के बाद ही होगा। उसके बाद जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो, किसी भी स्ट्रीम में किया हो, लेकिन साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ मांगा हुआ है। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स भी आपको गिवन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपको गिवन है, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कम्प्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इज सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है आपको दिया हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही लैब असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए जो है वैकेंसी, इसमें एक अनरिजर्व वैकेंसी है। आपने या तो प्लस टू के साथ जो है साइंस के साथ प्लस टू की हो या फिर आप जो है ग्रेजुएट हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं इसमें। तबला कंप्लिस्ट के लिए भी आप देख पा रहे हैं, बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एक अनरिजर्व वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें थोड़ी कम है और के कंपैरिजन में 27 ईयर्स ही है। बाकी जो है आपने प्लस टू किया हो और 35 इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड इन हिंदी टाइपिंग आपकी स्पीड हो तो आप एलिजिबल हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात की जाए तो 10th पास कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में लाइब्रेरी साइंस में आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 30 ईयर्स जो है एज लिमिट है। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेकर की। फिर एग्ज़ाम स्कीम की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो ये अलग अलग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 2 आवर्स का। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आप जिससे भी बिलोंग करते हो, मतलब जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं और आप पेपर देंगे, आप उसी के हिसाब से आप देख लेंगे। इसकी जो PDF है ऐड की, आपको हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप नवी क्लासेस से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर, आपने हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो इसकी जो ये PDF है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो।
एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु कैन फिल दिस फॉर्म हु आर एलिजिबल फॉर दिस. वेल, साइनिंग ऑफ.